तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संदीप। तो जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं ऐसे टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम को से आप फॉलो भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम से बहुत मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग डालता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम के से देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से यहाँ पे जो है सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, योगी सरकार ने बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकाली है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या फैसला किया है योगी सरकार ने, यहाँ पे जो है जिन स्टूडेंट की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, जो भी OBC कैटेगरी के हो, जो भी स्टूडेंट हो, यहाँ पे सामान वर्ग के SC ST जो भी स्टूडेंट हो, अब यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे जो है खबर निकल के आई है आप लोगों के लिए। अगले वर्ष सामान वर्ग के सभी छात्रों को शुल्क भरपाई करी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे लखनऊ में इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई है, यहाँ पे क्या खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार सामान वर्ग के सभी पात्र छात्रों को भी शुल्क भरपाई करने की तैयारी में है। जो छात्र पात्र हैं सभी छात्रों को जो यहाँ पे शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो है बहुत, तो यहाँ पे दोस्तों सामान वर्ग के 85% छात्रों को शुल्क भरपाई की जाएगी। करीब 1,00,000 छात्राओं को पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कि जो सामान वर्ग के हैं उन लोगों को यहाँ पे जो है बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, 85% ही शुल्क वापसी की जाएगी। यहाँ पे जो है 85% लोगों को यहाँ पे जो है शुल्क वापसी की जाएगी, और करीब 1,00,000 जो छात्र हैं उन लोगों को यहाँ पे जो है मिल पाएगा। ठीक है, सरकार अब बढ़ाएगी बजट, तो यहाँ पे जो है कम बजट के कारण जो है 1,00,000 छात्रों को लाभ नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो अब जो है सरकार यहाँ पे बजट बढ़ाना चाह रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे उपलब्ध के में सभी को नहीं मिल पाएगी छात्रवृत्ति। जहाँ तक छात्रवृत्ति का सवाल है, बजट को देखते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति के सभी पात्र छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कि जो पात्र छात्र हैं जिनका वेरीफाइड बाई रिकमेंडेड लिख चुका है उन सभी को जो यहाँ पे है लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जो SC ST के लिए बजट केंद्र सरकार देती है, इसलिए बचे हुए बजट को अगले सत्र में लाया जाएगा। जो बचा हुआ है बजट, उसको अगले सत्र में जिनकी अभी तक नहीं आई उनकी भरपाई की जाएगी फीस। दोस्तों, यहाँ पे जो SC ST वाले हैं तो उनका जो बजट यहाँ पे ना बचा तो उन लोगों की अगले सत्र में जो है फीस भरपाई की जाएगी जिनकी अभी तक नहीं आई है। और यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिनकी नहीं आई SC और ST वाले खासकर, उन लोगों की यहाँ पे अगले वर्ष जो है उनकी भुगतान किया जाएगा। यहाँ पे जो है योगी सरकार ने यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लिया है, और यहाँ पे जो सामान वर्ग के छात्रों को बजट की कमी के चलते इस साल छात्रवृत्ति मद में कोई राशि नहीं मिल पाएगी। जो छात्र 1,00,000 से छात्रों को जो रह गए हैं सामान वर्ग के, उनको यहाँ पे जो है इस साल जो है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आप लोगों की छात्रवृत्ति जो है यहाँ पे कमी के कारण बजट जो है बहुत कम है, इसलिए जो है आप लोगों को इस साल नहीं मिल पाएगी। जो SC ST वाले छात्र हैं उन लोगों को भुगतान किया जाएगा अगले ईयर में। ठीक है, आप लोगों को अगले साल मिल जाएगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट रह गए हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ी यहाँ पे खबर निकल गई है आप लोगों की, यहाँ पे जो है बराबर आप लोगों को भुगतान किया जाएगा, फीस वापसी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग जिनकी नहीं आई उनकी अगले ईयर हो जाएगी। आप लोग जो है यहाँ पर उम्मीद मत हारो, क्योंकि आप लोगों की आएगी नहीं है, क्योंकि बजट अभी कम है। ठीक है, अब जो है बजट वे लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोगों के नेक्स्ट में आ जाएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप जो है, तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो काफ़ी जो है यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप के रिलेटिव आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन निकलती है यूपी स्कॉलरशिप के रिलेटिव, आप लोगों को पहले मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत बड़ा फैसला है कि जो छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है तो उनके अगले ईयर में आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पे भुगतान सरकार करेगी, जैसे कि आप लोग पात्र हो, रिकमेंडेड लिखा है, सब कुछ हो चुका है, वेरीफाइड
एक्सपायर्ड हो चुका है। तो अगर जो बाई चांस आप लोगों की इस साल ना आई, लेकिन आपकी अगले साल में वापस आएगी, जो आप लोगों की नहीं आई तो वो अगले ईयर में वापसी की जाएगी, ठीक है। आप लोगों को जो है PFMS पे शो होने लगेगी आप लोगों की स्कॉलरशिप, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे जो है सरकार बहुत बड़ा आप लोगों को तोहफा देगी अगले ईयर में, ठीक है। आप लोगों को अगले ईयर में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर जो है सरकार आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए बराबर कोशिश कर रही है आप लोगों को पहुँचाने में अकाउंट में। तो यहाँ पे जिन लोगों की नहीं आई तो वे लोग अभी जो है आ सकती है, ठीक है। आप लोग वेट कर लो एक आध दो दिन तीन दिन, जिनकी अभी तक नहीं आई है उन लोगों की आ जाएगी, ठीक है। आप लोग वेट कर लो एक आध दिन, ठीक है। आप लोगों की 10 दिन वेट कर लो, अभी तक तो मार्च तक आएगी, लेकिन आप लोग अभी वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि मार्च तक आनी है स्कॉलरशिप। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो जो चैनल पर नए हो लाइक करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बाय।